शेयर चार फ्रीली ट्रांसफरेबल, शेयर चार शेयर को हम क्या कर सकते हैं, आराम से ट्रांसफर कर सकते हैं। कौन सा कंपनी में? पब्लिक कंपनी। कौन सा कंपनी? तो पब्लिक कंपनी दो तरीका का शेयर बेचेगा। शेयर का भी क्लास दो तरीका का होता है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। बोलो क्या बोले? बोलो कौन सा शेयर बोलिए? पब्लिक कंपनी जो है दो तरीका का शेयर इशू करेगा, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। बोलो क्या बोले? इक्विटी शेयर और कौन सा शेयर? प्रेफरेंस शेयर। अब क्वेश्चन आता है कि इक्विटी शेयर क्या होता है और प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। देखिए दोनों आपका शेयर का क्लासेस है, लेकिन दोनों का खरीदने का ओन एडवांटेज, दोनों का खरीदने का ओन एडवांटेज है। ओन का मतलब खुद का एडवांटेज। सुनिएगा ध्यान से, अगर आप प्रेफरेंस शेयर खरीदते हैं तो आपको दो डिविडेंड मिल जाएगा। एक तो आपको प्रेफरेंशियल राइट मिलेगा, कौन सा राइट? प्रेफरेंशियल राइट। और आपका डिविडेंड क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। डिविडेंड क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। एक आपका प्रेफरेंशियल राइट हो जाएगा और डिविडेंड क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा। डिविडेंड क्या हो जाएगा? समझ पा रहे? प्रेफरेंशियल राइट का मतलब होता है कि कंपनी बंद हो गया और सभी लोगों को पैसा देने के बाद सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा। पैसा देने के बाद जब शेयर होल्डर को बांटा जाएगा तो किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इसी को हम कहते हैं प्रेफरेंशियल राइट। क्या कहते हैं हम लोग? और रेट ऑफ डिविडेंड क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स। लेकिन इक्विटी में ये आपको एडवांटेज नहीं है, प्रेफरेंशियल राइट नहीं मिलेगा और आपको रेट ऑफ डिविडेंड भी फिक्स नहीं है। रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स, लेकिन इक्विटी खरीदिएगा तो इक्विटी का ओन एडवांटेज है कि हमारे पास वोटिंग राइट रहता। कौन सा राइट? वोटिंग राइट का मतलब हम कंपनी में जा करके हम किसी भी डिसीजन में क्या कर सकते हैं? अपना मत रख सकते। किसी भी डिसीजन अपना मत रख सकते, हम वोट कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं? लेकिन प्रेफरेंस में वो चीज नहीं रहेगा। समझ पा रहे हैं? एक्सेप्ट स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, एक्सेप्ट स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। समझ पा रहे हैं? तो शेयर का क्लास कितना तरीका का शेयर है? कौन कौन? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। बोलो क्या बोले? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का भाई कैपिटल ही है। समझ पा रहे? जिसमें कौन सा राइट रहने वाला है? प्रेफरेंशियल राइट। बोलो क्या बोले? कौन सा राइट रहने वाला हम लोग का? प्रेफरेंशियल राइट। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? तो हम क्या बोलेंगे? द शेयर विच गेट प्रेफरेंशियल राइट, द शेयर विच गेट प्रेफरेंशियल राइट इन रेस्पेक्ट ऑफ क्या चीज आपको? प्रेफरेंशियल राइट, राइट ऑफ डिविडेंड, राइट ऑफ डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, रीपेमेंट ऑफ कौन सा बोलिए? कैपिटल ऑन वाइंडिंग अप। रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ऑन वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ऑन वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। समझ पा रहे हैं? हम आगे ही बोले हैं कि क्या चीज आपको प्रेफरेंशियल राइट मिलेगा? पहला क्या? राइट ऑफ डिविडेंड, राइट ऑफ डिविडेंड। राइट ऑफ क्या बोलिए? डिविडेंड। डिविडेंड आपका फिक्स रहेगा। डिविडेंड क्या रहेगा? और कंपनी बंद हो जाए